दोस्तों हमें कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि अपने आप को देखते हुए कहती है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शानदार है क्योंकि आज मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू है जिसमें मेरी जीत पक्की है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाते हैं जिसमें हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसकी बॉडी बहुत ही फिट है। इस लड़के का नाम है लियो। लियो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है। पहले सीन में हमने जिस लड़की को देखा था उसका नाम है जोना और आज उसका इंटरव्यू मिस्टर लियो की ही कंपनी में है। वो वहाँ इंटरव्यू देने जाती है। इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों की चेकिंग कर रहे होते हैं जो लोग यहाँ इंटरव्यू देने आए होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड एक लड़की से कहते हैं, अपना ब्रूच उतारिए प्लीज क्योंकि ये लाल रंग का है, और फिर वो दूसरी लड़की को कहते हैं, अपनी लिपस्टिक उतारिए प्लीज क्योंकि यह अभी लाल रंग की है। दरअसल इस कंपनी की जो CEO है मिस्टर लियो, उन्हें लाल रंग बुरा लगता है। वह जब भी लाल रंग का कुछ भी देखते हैं तो वह बेहोश हो जाते हैं और इसीलिए इनकी कंपनी में लाल रंग का कुछ भी अलाउड नहीं है। मिस्टर लियो की कंपनी ओस्टियो मार्केट की सबसे बड़ी खिलौनों की कंपनी है और इनकी कंपनी की सबसे पॉपुलर टॉय सीरीज टैंक फी की विंटर स्टोरी सीरीज है। इनकी कंपनी में इसी सीरीज का एक पोस्टर देखती है जिसमें वो देखती है इस सीरीज की एक पेंटिंग उसके द्वारा 9 साल पहले बनाई गई इलस्ट्रेशन की हुबहू कॉपी है जो कि कंपनी के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड केविन ने खुद बनाई है। वो जोना को वहां के एक स्टाफ से पता चलता है कि उसका इंटरव्यू केविन ही लेने वाला है। फिर वो इंटरव्यू रूम में जाती है जहां केविन भी होता है। केविन से उस पेंटिंग को लेके सवाल जवाब करने लगती है, फिर उनके बीच बहस होने लगती है। वो जोना केविन के ऊपर अपनी पेंटिंग कॉपी करने का इल्जाम लगाती है। तभी केविन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। फिर टियान गुस्से से बाहर चली जाती है और बाहर जाने के बाद वो सोचती है, मुझे बॉस से बात करनी चाहिए, इसलिए वो वापस आ जाती है और अंदर जाने लगती है। लेकिन वहां की सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं और उसी टाइम वहां पर मिस्टर लियो आ जाते हैं। फिर जोना सोचती है, मुझे अभी इनसे ही बात करनी चाहिए। फिर वो उनके पास जाती है और कहती है, मिस्टर लियो, आपके डिजाइनर हेड मिस्टर केविन ने मेरा एक डिजाइन कॉपी किया है, क्या आपको इसके बारे में पता है? मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये मेरा डिजाइन है। और उसके बाद वो एक टॉय निकालकर लियो को दिखाने लगती है, लेकिन लियो उसको बोलते हैं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा वक्त बहुत कीमती है। और फिर वो वहां से जाने लगता है और इसी वजह से तियान गुस्से में आ जाती है और वही खिलौना लियो को फेंक के मार देती है। और जैसे ही लियो उस खिलौनों को देखता है तो फ्लैशबैक में चला जाता है जहां उसे एक एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जो खिलौना था वो लाल रंग का होता है और लियो जब भी किसी लाल रंग की चीज को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन हमें आगे पता चलेगा। फिर यहां से दूसरा सीन शुरू हो जाता है। इस सीन में लियो अपनी केबिन में होता है जहां उसका PAO डिजाइनिंग डायरेक्टर केविन भी होता है। केविन लियो को कहता है, इस लड़की ने आपकी इंसल्ट करी और हमारे ऊपर भी कॉपी का इल्जाम लगाया, लेकिन लियो उसको बीच में ही रोक देता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इस खिलौने का पूरा डेटा टैंक को दे दो, कंपनीज के ऊपर खुद फैसला करेगी। टैंक लियो का पीए है और उसके बाद केविन जोना को फोन करता है और उसको डराता है और धमकी देता है ताकि वो इस मसले को सुलझा दे, लेकिन तियान उसकी बातों से डरती नहीं है। फिर वो उसे पैसों का लालच देता है। वह कहता है, अपने बैंक अकाउंट का नंबर बताओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा, लेकिन तियान उसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। वो फोन काट देती है। फिर अगले दिन जोना की रूममेट रोज उसे बताती है कि लियो आज एक होटल जाएगा, उसकी एक मीटिंग है। और फिर जोना लियो से बात करने के लिए उसी होटल में पहुंच जाती है, लेकिन होटल का स्टाफ उसे अंदर नहीं घुसने देता, इसलिए वो झूठा बहाना बना के कहती है कि लियो सर मेरा इंटरव्यू लेंगे, और वो अंदर घुस जाती है। एक्चुअली लियो यहां अपनी अंकल के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर आया होता है। लियो के अंकल ने जिस लड़की को भेजा तो वो लियो के पास आ जाती है। वो लियो से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लियो कभी कार्ड का बहाना मार देता है तो कभी बुक पढ़ने को कह देता है। इस वजह से वो उससे परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। और जैसे ही वो लड़की रूम से निकलती है, जोना लियो के रूम में आ जाती है। वो लियो को कहती है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे चाहिए इंसाफ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी कंपनी उस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दे। जोना की टी शर्ट पर लाल बन की डिजाइन बनी होती है जिसे देखकर लियो को चक्कर आ जाते हैं, लेकिन वो बेहोश नहीं होता और जोना के ऊपर गिर जाता है। लेकिन जोना कहती है कि यह क्या बदतमीजी है और उसको पीछे की ओर धक्का मार देती है। फिर वो लिया सोफे पर गिरने वाला होता है, लेकिन जोना उसे गिरने से बचने के लिए पड़ती है, लेकिन वह खुद भी उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन इस पूरे मसले के पीछे लियो के मन में एक ही बात घूम रही थी कि मैं लाल रंग देखने के बाद भी बेहोश क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद जोना अपनी पेंटिंग के बारे में सब कुछ बताती है और लियो को सबूत भी दिखाती है कि जो आपके पास पेंटिंग है वह मैंने बनाई है, ये सब तुम्हारे डिजाइनर ने इसे कॉपी किया है। लेकिन लियो उस पेंटिंग में लाल रंग देखता है, लेकिन इस बार तो उसे चक्कर भी नहीं आते और उसे वक्त उसके दिमाग में एक ही चल रही होती है, मैं लाल रंग देखकर मुझे चक्कर क्यों नहीं आ रहे। इस बात तो वह बार बार लाल रंग देखा है लेकिन उसे एक भी बार चक्कर नहीं आते। और यह सब देखकर तो उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, चमत्कार हो गया है। लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन जोना को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसे लगता है कि लियो मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है, लियो जोना से हाथ मिलाता है और जोना से कहता है कि मिस लियो ने आपको जो भी कहा वह सब अपने सुना और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा। अगली स्टोरी अगले पार्ट में जानेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।